So student, today we will discuss the rest of the chapter 4. Need to resolve conflict. This is our next topic and this is the last video of this chapter. In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other groups from protesting. So अब कैसे हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें कैसे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कैसे लड़ाइयाँ होती हैं या संघर्ष होते हैं, तो कैसे हमारी गवर्नमेंट जो है उनको सॉल्व करती है, इस टॉपिक में हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपने माया की स्टोरी में पढ़ा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कैसे वॉयलेंस का और यहाँ तक कि डेथ का भी रूप ले लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक ग्रुप डिसाइड कर लेता है कि ये चीजें सही हैं और वो चाहता है कि सभी को उसको फोर्स करा सके उसको करने के लिए, और जो अदर ग्रुप है वो प्रिवेंट करता है या प्रोटेस्ट करता है या उसे वो चीज पसंद नहीं तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट करता है। सो इसी वजह से उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर रिलीजियंस रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट गेट अलोंग विथ ईच अदर और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे भी होते हैं कभी कभी जो है कल्चरल रिलीजन के रूप में धर्म के आधार पर होते हैं या रीजन के आधार पर या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि एक दूसरे को एक दूसरे से कम समझते हैं या कभी कभी जो है एक दूसरे से जो है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी भेदभाव की वजह से भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स ये संघर्ष जो है आपस में लोगों के बीच में होते हैं। पीपुल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंस। सो लोग जो है अपने डिफरेंस को प्रूव करने के लिए वायलेंस करते हैं। दिस लीड टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एरिया और ये जो है एक दूसरे के मन में जो है फेयर डर की भावना पैदा करता है या टेंशन तनाव की भावना को जन्म देता है एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लोगों के एरियाज में। सो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट और इसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं जो भी लोगों के बीच में मतभेद हो रहे हैं उनको सॉल्व करने में। Let's read about some of the conflicts in our society and the role of government in resolving them. तो चलो अब हम बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके के किन चीजों पर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उसमें जो है हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है उनको रिसॉल्व करने में उनको सॉल्व करने में। सो कम टू नेक्स्ट पेज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down the basic rule of the law that have to be followed by everyone. So हमारी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो भी उसमें रूल बने हैं सभी के द्वारा उनको फॉलो किया जाता है। दीज लॉ आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड पीपुल। ये लॉ जो है गवर्नमेंट के लिए भी पीपुल के लिए भी लोगों के लिए भी जो है इक्वल है और सभी के द्वारा इनको फॉलो किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंस हैव टू बी रिजोल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉ और कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंस जो है इन्हीं लॉज के ऊपर या इन्हीं को लेकर जो है बीच में होते भी हैं। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द लेटर क्लास। सो इसके बारे में हम और भी चीजें या डीप में जो है अदर क्लासेस में अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। रिलीजियस प्रोसीजन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी जो है रिलीजियस प्रोसीजन भी जो है या सेलिब्रेशन भी जो है कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रूट अ प्रोसीजन टेकन में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी जैसे कोई प्रोसीजन है लोग जो है कोई सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं उसके लिए जो है चीजें ले जाते हैं किसी रूट से, तो ये भी जो है कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनते हैं। द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट अ सॉल्यूशन। सो जब इनके बीच में जो है मतभेद होते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? पुलिस का रोल होता है। पुलिस क्या करती है कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं उनसे जो है कंसल्ट करते हैं। कंसल्ट करने के बाद जो कम्युनिटीज है वो आपस में समझाते हैं एक दूसरे को और इसको जो है जो भी झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एट टाइम्स देयर इज फियर दैट वायलेंस मे इरप्ट विद पुलिस थ्रोइंग stones or trying to dispute
द प्रोसीजन। और कई कई बार तो ये वॉयलेंस जो है, ये हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग जो है पुलिस वालों के ऊपर जो है स्टोन फेंकने लग जाते हैं। आपने देखे होंगे कई बार कुछ हड़तालें या कुछ वॉयलेंस जो लोग क्रिएट करते हैं, ओके, न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे उनके बारे में। सो द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वॉयलेंस डज नॉट टेक प्लेस। सो पुलिस जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो ये कोशिश करती है कि ऐसे वॉयलेंस जो है बहुत ज्यादा ना बढ़े या ना हो, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। रिवर्स भी जो है कई बार कॉन्फ्लिक्ट का जो है हिस्सा होते हैं। कई बार जो है रिवर्स को लेकर जो है जो वाटर का सोर्स है उसको भी लेकर जो है कई स्टेट में जो है स्टेट के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अ रिवर में बींग इन वन स्टेट फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन द थर्ड। सो कई बार कुछ रिवर्स जो है, सो कुछ नदियां जो है एक जगह से, एक स्टेट से निकलती है, दूसरे स्टेट से फ्लो होते हुए जाती है और तीसरे स्टेट तक पहुंचती है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो ये जो रिवर है जो स्टेट से होकर गुजर रही है या दूसरी जगह पहुंच रही है, तो इसको भी लेकर जो है कई बार लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव हियर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो आपने इसके बारे में सुना होगा, जो कावेरी का वाटर है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो है डिस्प्यूट होता है। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन द कर्नाटका इज यूज टू इरीगेशन अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड मीटिंग्स द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु। सो जो वहां का वाटर है वो कृष्णा राजा सागर डैम में जो है कलेक्ट होता है। इसके बाद कर्नाटका में जो है जो इरिगेशन का जितना भी सिंचाई का काम है उससे होता है और इससे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये जाता है जो कावेरी का वाटर है। और बेंगलुरु के जो है बहुत सारे सिटी, बेंगलुरु के बहुत सारे सिटी में जो है लोगों की नीड्स को पूरा करते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन मेट्रो डैम इन तमिलनाडु इज यूज टू क्रॉप ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट। और वो जो वाटर है उसको जो है मेट्रो डैम में जो है स्टोर किया जाता है और तमिलनाडु के बहुत सारे जो है फसलों को जो है उनकी सिंचाई में काम आता है डेल्टा रीजन के स्टेट पे। अ कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। सो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे झगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि एक ही रिवर से जो है सारी जगह पे पानी को बांटा जा रहा है। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम अप स्ट्रीम वन लोकल्ट इन कर्नाटका। सो यहाँ अब क्या होता है कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु जो है नीचे पड़ता है, तो इसीलिए जब कर्नाटका के जो है अप स्ट्रीम से वाटर को छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, तभी वो नीचे तमिलनाडु भर पाता है। देयरफॉर बोथ स्टेट कांट गेट एज मच वाटर एज दे नीड फॉर पीपल देयर स्टेट। इसीलिए जो है दोनों ही स्टेट जो है उतनी मात्रा में पानी को नहीं ले पाता है जितनी मात्रा में वहां पे लोगों को उसकी नीड है। दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, ये जो है कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है, संघर्ष को जन्म देता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्टेप एंड सी दैट द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट। इसीलिए जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, वो हेल्प करती है, वो ऐसे स्टेप्स उठा रही है कि दोनों के बीच में एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके ताकि दोनों ही स्टेट जो है सही तरीके से काम करें। नाउ नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट पेज। नाउ द लास्ट टॉपिक इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो कैसे हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो है ये भी एक की एलिमेंट है, इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि लोगों को जो है न्याय और बराबरी की जो है ये सभी को मिल सके। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो ये भी जो है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक की आइडिया है, ये कमिटमेंट है कि सभी को जो है इक्वालिटी मिले या जस्टिस मिले। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। सो ये दोनों को ही जो है सभी को जो एक समान मात्रा में मिल सके। डिस्कस इन माया स्टोरी डिड द गवर्नमेंट
सपोर्ट द आइडिया ऑफ पीपल आर इक्वल. सो जैसे कि माया की स्टोरी में जो है गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया कि सभी को जो है इक्वल राइट मिले. इन डॉक्टर अम्बेडकर स्टोरी डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल. और जैसे कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर की स्टोरी में पढ़ा था कि वहां भी जो है लोगों को अनटचेबिलिटी से मुक्ति मिली, जो ये छुआछूत की भावना थी लोगों के मन में ये खत्म हुई, ये भी हमारी गवर्नमेंट की वजह से हुई और सभी को जो है इक्वली तरीके से देखा गया. द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैन बाय लॉ. अब जो है अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से हमारे गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया है. दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस ऑफ ऑफर्स पेयर. सो ये जो अनटचेबिलिटी था ये क्या करता था कि हमारे जो एक कोई भी ग्रुप है, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप है, उसको जो है एजुकेशन से या ट्रांसपोर्ट की सुविधा से या मेडिकल फैसिलिटीज से जो है अलग कर दिया जाता था और यहाँ तक कि वो लोग प्रेयर्स भी नहीं कर पाते थे. सो डॉक्टर अम्बेडकर होम यू हैव रीड अबाउट अर्लियर इन दिस बुक एंड मैनी ऑफ अदर्स लाइक हिम realize that such practice must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. So जैसा आपने earlier पढ़ा था डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कि कैसे उन्होंने struggle किए ताकि ये untouchability है इसको खत्म कर सके, और ऐसे ही जो और भी लोग थे सभी ने जो है इस चीज को समझा कि ये हमारे लिए जो है हमारी हमारी अचीवमेंट के लिए एक तरीके से रोक है कि लोगों को जो है सभी को जो है समानता की भावना नहीं मिल पा रही है या समानता के अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं. तो इसको जो है उन लोगों ने खत्म किया, इसको समझा और इसके बाद जो है सभी को जो है अब इसके लिए जस्टिस मिला और सभी को एक ऐसे ट्रीट किया था, अब सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है. द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकनाइज दिस मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल. सो हमारे जो गवर्नमेंट है उसने कुछ स्पेशल प्रोविजन किए ताकि सभी को जो है जो भी ग्रुप वाइज डिवाइड किए गए हैं तो हमारी सोसाइटी में सभी को इक्वली राइट मिल सके. फॉर इंस्टेंस इन अवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड. सो जैसे कि हमारे सोसाइटी में एक ये भी धारणा है लोगों के मन में कि जो बॉयज हैं उनको जो है ज्यादा केयर मिलती है गर्ल्स के अकॉर्डिंग. ये लोगों की ऐसी धारणा है. दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली. दिस इज अनजस्ट. और लोग सोसाइटी जो है इस चीज को देखती है. सो इसका मतलब यही है कि जो हमारी सोसाइटी है वो गर्ल्स की जो है उतनी वैल्यू नहीं करती है जितना कि बॉयज को, और उनको जो है इक्वली जो है उतने राइट्स नहीं दी जाते हैं. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन दैट कैन इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस दैट दे आर सब्जेक्टेड टू. इसी वजह से जो है गर्ल्स के लिए जो है कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हमारे गवर्नमेंट के थ्रू. दस इट इज पॉसिबल दैट फी फॉर द गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लोअर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस. इसीलिए जो है गर्ल्स के लिए जो है कई स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो है फीस को पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया गया है या उनकी मात्रा कम भी कर दी गई है. सो गर्ल्स को फीस में छूट दी जाती है. हाउ डू यू थिंक लोअरिंग द स्कूल फी वुड हेल्प गर्ल्स अटेंडेंस स्कूल. तो आपको क्या लगता है कि इस फीस में छूट देने से क्या गर्ल्स की अटेंडेंस जो है स्कूल में बढ़ती है, या ये गर्ल्स को कैसे हेल्प करती है उनके स्कूल में अटेंडेंस के लिए? कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू हैव हेल्प्ड समवन आउट ऑफ अ सिचुएशन विच यू थ्रू थॉट वॉज अनफेयर. सो क्या आप सोच सकते हो या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जिसमें हेल्प की हो आपने, किसी के साथ कुछ अनफेयर हो रहा हो और उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में? डिड एनीवन एल्स सी इट द सम वे? व्हाट डिड यू हैव टू से टू कन्विंस अदर्स दैट व्हाट वाज डिड वाज फेयर? सो कौन सी चीज सही है या क्या गलत है, तो क्या आप किसी को जो है कन्विंस कर सकते हो? सो स्ट्रिंस नाउ अवर चैप्टर कंप्लीट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर.